तो कैसे हो लोंडो यार। ये डायलॉग बोलने के लिए मैं पिछले 2 महीने से तरस गया था, बिकॉज आपको पता ही होगा यार, पिछले 2 महीने से हमारी वीडियो नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कि आप लोगों ने मुझे इतना मिस किया होगा कि मेरा कमेंट बॉक्स पूरा भर गया होगा, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही निकला भाई। इस बंदे को छोड़ के किसी ने कमेंट ही नहीं किया, शार भाई कहाँ गए? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कसम से यार, आप लोगों ने तो मेरा दिल तोड़ दिया यार, कम से कम एक कमेंट तो कर देते। बट कोई बात नहीं, अभी आपका शार भाई वापस आ चुका है और पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ, और अभी बहुत खतरनाक वीडियोस भी आने वाली हैं। वैसे इन 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ किया, काफी कुछ नया सीखा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है गाइस, जिसने नारुतो देखने के अलावा कुछ नहीं किया पूरे 2 महीने में। खुद का नेट तो खत्म किया ही, साथ में मेरा भी नेट खत्म कर देता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अबे तुझे किसने बुलाया, भाग जा यहाँ से। गाइस 200 MB क्या यूज कर लिया, 10 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। 200 MB की कीमत तुम क्या जानो शार बाबू, चल बस। अरे भाई भाई भाई, इग्नोर करो गाइस इसको, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे आज की वीडियो का कंटेंट आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे इंडिया के बेस्ट 2 finger, 3 finger and 4 finger के प्लेयर्स और उनकी कस्टम HUD जो कि सबसे बेस्ट वाली होगी, और इन तीनों में से कौन सा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप नया नया फ्री फायर खेल रहे हो फिर भी, या फिर अगर आप ओल्ड प्लेयर हो, आपको अपग्रेड करना है, आपको एक अच्छी कस्टम HUD चाहिए, तो आपके लिए इन तीनों में से कौन सा कस्टम HUD ज्यादा बेस्ट रहेगा। और देखो गाइस, 3 finger, 2 finger, 4 finger सभी अच्छी होती हैं, बट यार हर एक का अलग एडवांटेज होता है। जैसे कि अगर आप 2 finger खेलते हो तो आपको एक अलग एडवांटेज मिलेगा, साथ में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी मिलेगा। और अगर आप 3 finger खेलते हो तो भी सेम रहेगा, इन 4 finger वाले के लिए भी सेम रहेगा। लेकिन आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कौन सा कस्टम HUD रखना चाहिए, आपको वो डिसाइड करना है। मैं आपको बता दूंगा कि किस कस्टम HUD को यूज करने से आपका क्या इम्प्रूव होगा, जैसे मूवमेंट एक्यूरेसी और ग्लोबल स्पीड। पर गाइस वो सब बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग कौन से कस्टम HUD में खेलते हो, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। देखते हैं यार कमेंट बॉक्स में कितने कमेंट आते हैं और हमारे व्यूअर्स कितने क्लॉ फिंगर पे खेलते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ यार। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे 2 finger claw वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर के साथ। तो गेस करो 2 finger claw पे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर कौन सा रहने वाला है। और हाँ गाइस, उसका कस्टम HUD में मैं आपको दिखाऊंगा और उसका एडवांटेज भी आपको बताऊंगा, बट आपको गेस करना है। मैं आपको छोटा सा गेम प्ले दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली गेम प्ले देख के गेस करोगे, मेरे पास उसकी फोटो तो है नहीं। ज्यादा नहीं, 30 सेकंड का गेम प्ले का क्लिप लगा रहा हूँ। वैसे गेम प्ले बहुत ओपी, आप एंजॉय करोगे मैं जानता हूँ, और मेरे ख्याल से काफी बंदे उनको तो सिर्फ गेम प्ले से ही पहचान जाएंगे। और वही गेम प्ले देख लिया तो पहचाना कौन है ये। अगर आप लोगों ने नहीं पहचाना है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इस प्लेयर का नाम है MSNFF और गाइस ये इंडियन सर्वर का ही है, काफी खतरनाक खेलता है ये बंदा। इसके गेम प्ले को देख के बिल्कुल M10 का गेम प्ले का फील आता है यार। अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ तो ये फुल मैप खेलते हैं और मैंने मोस्टली 2 finger claw प्लेयर्स को फुल मैप ही खेलते हुए देखा है। और अगर कस्टम खेलते हैं तो लिमिटेड कस्टम 4v4 खेल लेते हैं, अनलिमिटेड भी मैंने उनको बहुत ही कम खेलते हुए देखा है, खास करके 1v1, बिकॉज जो 2 finger प्लेयर्स होते हैं वो अपने दोनों थंब से खेलते हैं और उनको अपने दोनों थंब से काफी ज्यादा बटन को प्रेस करना होता है, जिससे कि थोड़ी सी मूवमेंट स्लो तो हो जाती है, बट यार एक्यूरेसी इनकी काफी अच्छी होती है। और एक्यूरेसी के साथ में इनका जो गेम का सेंस होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। मतलब IQ जो होता है, डॉज करना या फिर बंदे को घर के अंदर घुमाना, ये काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बट हमारे MSN भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इनका तो यार एक्यूरेसी के साथ साथ इनका मूवमेंट भी काफी अच्छा है 2 finger में भी। और इनके वीडियो की क्वालिटी की तो मैं क्या ही बात करूं, इनकी वीडियो की क्वालिटी बड़ी खतरनाक आती है। पता नहीं कौन से फोन में खेलते हैं, मेरे ख्याल से तो ये पक्का iPhone ही होगा। तो चलो गाइस इनकी गेम की सेटिंग्स और इनकी कस्टम HUD भी मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ। और हाँ, ये इन्होंने अपनी वीडियो में भी डाल रखा है और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इनके चैनल पे जाके इनकी वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। तो चलो गाइस अब आते हैं हमारे 3 finger claw प्लेयर के ऊपर और उनकी कस्टम HUD के ऊपर। और देखो गाइस, इस बार जो मैंने 3 finger claw का प्लेयर लिया है, उस प्लेयर को मैंने उनके कस्टम HUD की वजह से लिया है, बिकॉज उनका जो 3 finger कस्टम HUD है वो इतना बढ़िया है कि आप उस पे
फुल मैप भी काफी इजीली खेल सकते हो और काफी अच्छा गेम प्ले कर पाओगे। साथ में कस्टम भी उसपे काफी खतरनाक गेम प्ले हो जाता है। और मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको एक ऐसा कस्टम एचयूडी मिले जो कि आपके ओवरऑल गेम प्ले में आपकी हेल्प करे, ना कि सिर्फ रैंक या फिर सिर्फ कस्टम में आपको हेल्प करे। ये कस्टम एचयूडी मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आया बिकॉज मैंने इसको खुद भी यूज किया है। अरे यार, अभी तक तो मैंने कस्टम एचयूडी दिखाया ही नहीं, मैं कस्टम एचयूडी की बात कर रहा हूँ। पहले आपको प्लेयर का नाम बता देता हूँ, बट उससे पहले आपको इसका गेम प्ले दिखाता हूँ जो कि फुल मैप का गेम प्ले रहने वाला है। अभी गाइज आपने इस प्लेयर का गेम प्ले देख लिया है और मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा ये कौन सा प्लेयर होने वाला है बिकॉज ये काफी फेमस प्लेयर है। बट जिनको अभी तक नहीं पता चला है मैं बता देता हूँ, इनके चैनल का नेम है फोर फ्लैग गेमर। आपने यार इनका नाम सुना ही होगा और इनका गेम प्ले पहले भी देखा ही होगा, डेफिनेटली देखा होगा यार। अगर आप नॉन स्टॉप गेमिंग को जानते हो तो आपको पता होगा ये उनकी लाइफ पे काफी बार खेल चुके हैं और बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स को डिफीट कर चुके हैं। और चलो वो तो 1v1 कस्टम की बात रही, अभी ये फुल मैप का गेम प्ले आप लोगों ने देखा, काफी खतरनाक फुल मैप में भी खेलते हैं ये। इसीलिए तो गाइज मैं इनका कस्टम एचयूडी आपको प्रेफर कर रहा हूँ। और गाइज इनका कस्टम एचयूडी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा और इनके गेम की सेटिंग्स भी आपको दिख रही होंगी और आप ये इनके वीडियो में भी जाके देख सकते हो। इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर हम बात करें थ्री फिंगर क्लॉ प्लेयर्स की, तो मोस्टली थ्री फिंगर क्लॉ प्लेयर्स का क्या रहता है कि उनका मूवमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एक्यूरेसी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। बट यार आपको थ्री फिंगर में एक ही एडवांटेज मिलता है टू फिंगर से ज्यादा, कि आपको टू फिंगर से ज्यादा मूवमेंट मिलेगी, आपकी रिएक्शन टाइमिंग फास्ट हो जाएगी, आपका गेम प्ले थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप टू फिंगर खेलते हो आपको अपने बटन को टच करने के लिए कम फिंगर्स होते हैं, थ्री फिंगर में आपके पास थोड़े से ज्यादा फिंगर्स है, आप थोड़ा सा फास्ट खेल पाओगे। और ऐसा रियल में होता है, मैं भी एक टाइम पे टू फिंगर प्लेयर हुआ करता था। सो अगर आप थ्री फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट करना चाहते हो तो यू कैन गो विद दिस कस्टम हुड बिकॉज दिस इज ओपी वन। सो चलो गाइस अभी आ गए हैं हम हमारे फोर फिंगर क्लॉ बेस्ट प्लेयर और उसकी बेस्ट एचयूडी के ऊपर। फोर फिंगर में आपके लिए कौन सी एचयूडी बेस्ट रहेगी, फोर फिंगर में खेलने से आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है और कौन सा फोर फिंगर क्लॉ बेस्ट प्लेयर है हमारे इंडिया का या फिर वर्ल्ड का कह सकते हो आप, बिकॉज जिस फोर फिंगर क्लॉ प्लेयर का मैं नाम लेने वाला हूँ वो हमारे इंडिया का नहीं है। तो चलो यार अभी आपको उस प्लेयर से हम मिलवाते हैं। इंतजार किस बात का है, अरे उससे नहीं, उसके गेम प्ले से और उसके चैनल से मिलवाते हैं और उसकी कस्टम एचयूडी से भी मिलवाते हैं, उससे तो मैं खुद नहीं मिला आज तक। तो गाइस अभी आप इनका गेम प्ले देख के गेस करो ये कौन से प्लेयर होने वाला है, नाम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इसी वीडियो में बताऊंगा, पहले आप गेस तो करो। तो चलो अभी आपने गेम प्ले देखा है और मेरे ख्याल से आप में से काफी बंदों ने गेस कर लिया होगा। और यार काफी बंदे तो इतने चलाक होते हैं ना, किल फीड में नाम देख के पता लगा लेते हैं भाई ये कौन सा प्लेयर है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। एक बार मेरे को एक बंदा कमेंट करके बताता है मैंने किल फीड में ही नाम देख के पता कर लिया था तुम्हारे बताने से पहले। देखो देखो कैसे वीडियो पीछे कर रहे हैं, तुमने भी वही किया ना अभी, बड़े तेज हो रहे हो। तो चलो यार मैं बता देता हूँ, इस बंदे के चैनल का नाम होने वाला है मैक्साडो FF। और गाइस आप में से काफी बंदे ऑलरेडी इनको जानते होंगे, मुझे पक्का पता है भाई, बिकॉज यार ये फोर फिंगर क्लॉ के मामले में पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है ये बंदा। नहीं आप खुद देख लो, जितने भी हमारे फोर फिंगर क्लॉ प्लेयर हैं उन्होंने इसको देख के स्टार्ट किया होगा, बिकॉज ये बंदा बहुत पहले से, लिटरली 2 साल से भी ज्यादा पहले से ये बंदा फोर फिंगर क्लॉ खेल रहा है और उसी के वीडियोस अपलोड किए जा रहा है। पहले भी इसके खतरनाक व्यूज आते थे, अब भी इसके बहुत तगड़े व्यूज आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में फोर फिंगर क्लॉ खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है, बट यार मैं बस कुछ कहना नहीं चाहता, अब चलो क्या ही देता हूँ जब बोल दिया है। तो हमारे एक फोर फिंगर क्लॉ के बेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के, जिनको मैं काफी रिस्पेक्ट करता था, काफी इज्जत करता था, उनको मैंने अपनी वीडियो में लिया भी है। मेरी उस वाली वीडियो पे 2-3 लाख व्यूज भी हैं, जो कि है 143 FF। और उनको इस वीडियो में ना लेने का बहुत बड़ा रीजन है, अब क्या ही बोलूं यार, बस
नहीं बोलना चाहता मैं एक्सपोज वीडियो बन जाएगी। मैं ये तो नहीं जानता कि वही सेम बंदा अभी उस चैनल को चला रहा है या फिर कोई दूसरा बंदा चला रहा है, बट जो भी चला रहा है बहुत गलत कर रहा है, इसलिए मैं उसको इस लिस्ट में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज वो फोर फिंगर प्लेयर नहीं है जो भी उस चैनल को भी चला रहा है। चलो गाइस छोड़ो, कहीं कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए, हमको कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या होता है यार? अरे चिंटू मुझे भी नहीं पता, बस कहीं सुना था, अच्छा लगा, बोल दिया। ए भगवान कैसे गवार को यूट्यूबर बना दिया, इससे अच्छा तो मुझे बना देते। चलो गाइस इसे इग्नोर करो, हम आते हैं हमारे फोर फिंगर क्लॉ के एडवांटेज के ऊपर कि फोर फिंगर क्लॉ में हमारे एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं। देखो गाइस टू फिंगर क्लॉ का जैसा मैंने बताया था, टू फिंगर क्लॉ में आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा गेम का स्ट्रेटजी मेकिंग वगैरह काफी इंप्रूव हो जाएगा। और बात करें अगर हम थ्री फिंगर क्लॉ की, तो थ्री फिंगर क्लॉ में आपका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, बट फोर फिंगर क्लॉ का एडवांटेज ये आता है कि आपका मूवमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, बट अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोनों नेक्स्ट लेवल का इंक्रीज हो जाएगा और गेम प्ले स्टाइल भी आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब कि काफी अच्छा लगेगा देखने में। और लिटरली यार मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी कोई एक ऐसा फोर फिंगर प्लेयर हो जो कि मैक्साडो को टक्कर दे सके। गाइस मैं फोर फिंगर खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर्स को जानता हूँ जो कि मैक्साडो जैसा बिल्कुल गेम प्ले इंप्रूव कर सकते हैं और उसकी तरह चैनल भी अपना बना सकते हैं, बस जरूरत है थोड़े से हार्ड वर्क की। बाकी गाइस आपको मैक्साडो एफएफ की कस्टम एचयूडी बैकग्राउंड में दिख रही होगी और आप इनके चैनल पे जाके इनकी कस्टम एचयूडी देख सकते हो, इनकी वीडियोस भी देख सकते हो, उनकी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गाइस अभी आपको तीनों कस्टम एचयूडी का डिफरेंट एडवांटेज पता चल ही गया होगा, आपके लिए जो बेस्ट रहेगा आप वो चूज कर सकते हो। जैसे जो टू फिंगर क्लॉ खेलने वाले प्लेयर थे वो हमारे एमएसएन प्रो का कस्टम एचयूडी चूज कर सकते हैं, और जो थ्री फिंगर खेलने वाले प्लेयर है अगर वो चाहें तो हमारे फोर्थ फ्लैग भाई का कस्टम एचयूडी चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा कस्टम चुड़ी है। और चूज करने से अच्छा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसको एज अ इंस्पिरेशन लो और अपनी खुद की कस्टम चुड़ी बनाओ यार। और जो हमारे फोर फिंगर क्लॉ प्लेयर्स हैं वो चाहे तो मैक्साडो का हुड चूज कर सकते हैं, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ मैक्साडो का जो हुड है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये बंदा 3 साल से इस हुड पे खेल रहा है। अगर आपको जानना है कि आपके लिए फोर फिंगर क्लॉ की कौन सी एचयूडी बेस्ट रहने वाली है तो आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरी डेडिकेटेड लगभग 10 मिनट की वीडियो बनाई है फोर फिंगर क्लॉ के ऊपर, और इतनी डेडिकेटेड वीडियो फोर फिंगर क्लॉ के ऊपर शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगी, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। और जल्दी ही मैं थ्री फिंगर और टू फिंगर क्लॉ के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा अगर आप चाहो तो। बाकी यार सच बताना शार्प भाई को इतने दिनों बाद देखे कैसा लग रहा है आप लोगों को? भाई मुझे तो वीडियो बना के बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए यार। और हाँ लास्ट में एक क्वेश्चन, एनीमे कौन कौन देखता है, इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। अरे यार सब्सक्राइब करे तो बोला ही नहीं, हाँ लाइक और सब्सक्राइब तो दबा के ठोक देना।